हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन सिंपल किचन। इंडियन सिंपल किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए वेज रेसिपी लेकर आई हूँ, बहुत ही टेस्टी वाली। आज मैं आपको सिखाऊंगी हरे मटर के छोले किस तरीके से आप बना सकते हैं, जिस तरीके से आप सूखे मटर के छोलों के साथ में चावल को सर्व करते हैं, या तो फिर कढ़ी चावल बनाते हैं, राजमा चावल बनाते हैं, तो आज हम हरे मटर के साथ में चावल जो है सर्व करने वाले हैं आपको। चलिए शुरू कर लेते हैं, बना लेना। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 kg हरे मटर के दाने ले लिए हैं, साथ ही साथ 3 टमाटर ले लिया है, 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं जिसे बिल्कुल बारीक कट कर लिया है, 2 हरी मिर्च ले लिया है। तो इन सब चीज़ों से हम बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी बनाने वाले हैं गाइस। तो चलिए शुरू कर लेते हैं, बना लेना। तो मैंने यहाँ पे कुकर रख दिया है गैस पर, उस पर डाल दिया है सरसों का तेल। ऑयल को अच्छे से गर्म हो जाने देते हैं। तो यहाँ पे ऑयल हमारा बिल्कुल अच्छे से गर्म हो चुका है। मैंने इसमें डाल दिया है हरी मिर्च, हरी मिर्च के साथ ही साथ मैंने इसमें डाल दी है प्याज। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाने देते हैं। बहुत ज़्यादा आपको प्याज का जो कलर है उसे डार्क नहीं करना है, जिसे कंटिन्यू चलाते हुए उसका कलर चेंज हो जाने का इंतज़ार करते हैं, फिर बाकी के मसाले जो है इसमें ऐड करते हैं। तो बिल्कुल धीमी आँच में चलाते हुए प्याज का जो कलर है वो चेंज हो चुका है। मैंने इसमें डाल दिया है 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब मसालों के साथ में हमें फिर से प्याज को बिल्कुल अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेना है। तो अदरक लहसुन की पेस्ट को मैंने मिक्स कर दिया है। अब कुछ पाउडर मसाले डाल देते हैं। तो डाल दिया है 1 teaspoon हल्दी पाउडर, 1 teaspoon रेड चिल्ली पाउडर, साथ ही साथ मैं इसमें डाल दूँगी 1 teaspoon धनिया पाउडर। तो धनिया पाउडर को डालने के बाद में अब हमें अच्छे से मसालों को भून लेना है। तो मसाले भूनने के लिए हमें यहाँ पर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना होगा, क्योंकि मसाले जो हैं पाउडर मसाले वो बहुत जल्दी जलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो पानी डालने के बाद में फिर से इसे भून लेते हैं गाइस। तो इससे पहले भूनने से पहले मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर, क्योंकि मसाले और टमाटर हैं वो बिल्कुल साथ ही साथ भून जाएँगे, इसका टेस्ट और भी अच्छा आ जाएगा। तो टमाटर को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। मैंने इसमें 3 टमाटर का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो इसे कम भी डाल सकते हैं, बट छोलों में टमाटर का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पे स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है। नमक को डालने के बाद में मसाले टमाटर के साथ में अच्छे से भून जाते हैं, इंतज़ार कर लेते हैं। तो मसाले बिल्कुल अच्छे से भून चुके हैं, आप देख सकते हैं कलर बहुत ही अच्छा आया है इनका। तो मसालों के साथ टमाटर भी अच्छे से पक चुके हैं, बहुत ही अच्छे से भून चुका है हमारा मसाला। तो मैंने यहाँ पे हरे मटर को ऐड कर दिया है। मटर को डालने के बाद में बिल्कुल अच्छे से इसे मिक्स कर देते हैं, बिल्कुल धीमी आंच में इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लें, ताकि मटर जो है वो भी मसालों के साथ में थोड़ा सा भून जाए। वैसे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा था, आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया कलर आ रहा है हमारे छोलों का। तो इसे मिक्स करने के बाद में अब बारी आती है इसमें पानी को डाल देने की। तो पानी भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, मटर के डूबने तक डालना है, क्योंकि ये ताज़ा मटर के दाने हैं, बहुत ही जल्दी गल जाते हैं। इसमें बिल्कुल बहुत ज़्यादा सीटी लगाने की ज़रूरत नहीं है, 1 से 1.5 सीटी के अंदर अंदर ये बहुत ही अच्छे से गल जाएगी। तो पानी मैंने इसके डूबने तक डाल दिया है, और प्रोसेस में अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक को भी डाल दिया है। अब इसे हमें बंद कर लेना है और 1 से 2 सीटी आने तक इंतज़ार कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि हमारे जो छोले हैं वो कितने बढ़िया तैयार हुए हैं। छोलों में बहुत ही बढ़िया कलर आया, इसके लिए आप कश्मीरी लाल मिर्च डाल सकते हैं इसमें। तो 1 से 2 सीटी आने के बाद में हमारी जो हरे मटर के छोले हैं वो बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुके हैं। अभी भी इसमें थोड़ा सा पानी है, तो पानी को थोड़ा सा और हमें सुखाना है, बिना ढके इसे गैस पे यूं ही छोड़ देते हैं। बहुत ही अच्छे से मटर हमारा गल चुका है। तो सबसे लास्ट में मैं इसमें डाल दूँगी गर्म मसाला पाउडर। तो 1 टेबल स्पून मैंने इसमें गर्म मसाला पाउडर डाल दिया है। गर्म मसाला का जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा आता है छोलों में, इसे आपको सबसे लास्ट में डालना है। तो गैस जो है अभी मैंने ऑफ़ नहीं किया है, गर्म मसाला भी इसमें ऐड कर दिया है। अब बारी आती है हरे धनिया की। तो हरा धनिया इसमें डाल देते हैं, हरा धनिया मैंने इसमें डाल दिया है। धनिया को डालने के बाद में हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं छोलों का कलर बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया हमारे छोले तैयार हुए हैं। तो आप देख सकते हैं इसका जो पानी है वो बिल्कुल अच्छे से गाढ़ा हो चुका है, बहुत ही अच्छे से हमारा छोला तैयार हो गया है। तो एक बार इस तरीके से छोलों को ज़रूर बनाएं अपने घर पे। तो इस तरीके से कलछी से दबाते हुए आप चाहें तो छोलों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर सकते हैं मसालों के साथ में। और अगर आपको ग्रेवी नहीं चाहिए तो थोड़ा सा और आप इसे बिल्कुल ड्राई कर सकते हैं।
तो हमारे छोले जो हैं बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, तो अब बारी आती है इसे सर्व करने की। तो मैंने अब एक प्लेट में चावल निकाल दिया है, आप कोई भी नॉर्मल चावल जो आप रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं अपने खाने में उसे प्लेट में डाल दें। और डालने के बाद में अब मैं इसमें डाल दूँगी छोले। तो बिल्कुल करी चावल या फिर राजमा चावल खाने के बजाय एक बार इस हरे मटर के छोलों को चावल के साथ में ज़रूर सर्व करके देखें, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा इसका। तो आज मैं इसकी प्लेटिंग बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में कर रही हूँ, या फिर ढाबे में आपने ज़रूर खाया होगा राजमा चावल या फिर छोले चावल, जो कि कच्चे मटर के बने नहीं होते हैं, बिल्कुल सूखे मटर के बने होते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें हरी धनिया की चटनी भी ऊपर से डाल दी है, प्लेन राइस कोई भी नॉर्मल राइस जो आप खाते हैं उसे डाल सकते हैं, साथ ही साथ मैंने इसमें दही भी डाल दिया है। तो दही डालने के बाद इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आ जाता है गाइस। साथ ही साथ मैंने इसमें प्याज भी रख दिए हैं, प्याज के साथ एक हरी मिर्च भी होनी ज़रूरी है, तो हरी मिर्च भी मैंने इसमें रख दी है। और साथ ही साथ कुछ सैलड है जिसमें बीट रूट है और गाजर है, जिसे बारीक काटने के बाद मैंने इसे प्लेटिंग कर दी है इसकी और सर्व कर दिया है। तो एक बार हरे मटर के छोले घर पर ज़रूर बनाकर देखें और इसकी प्लेटिंग बिल्कुल इसी तरीके से करें, दही और हरी चटनी के साथ में, साथ ही साथ सैलड भी होनी चाहिए, तो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है इसका। तो सूखे मटर के छोलों के बजाय एक बार ताज़ा हरे मटर के छोलों के साथ में प्लेन राइस को इस तरीके से सर्व करें, बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा इसका, बिल्कुल ढाबे वाला। तो ज़रूर बनाएं, ज़रूर खाएं, ज़रूर एंजॉय करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपने इसे किस तरीके से बनाया है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें, जिससे आपको मेरे हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन काफ़ी ईजिली मिल जाएगी। तो मिलती हूँ आपके साथ में ऐसी ही आसान सी बिल्कुल घरेलू सी रेसिपी को लेकर के। टिल देन बाय बाय गाइज़।